नमस्कार फ्रेंड्स, क्रिशल्स ग्रीन लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे इस ब्यूटीफुल फिलोडेंड्रॉन के बारे में इसके केयर एंड ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स व्हिच एवरीवन शुड हैव। एक तो ये देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा ईजी टू ग्रो प्लांट है कि इसको अगर आप एक बार ऐड कर लो अपने कलेक्शन में, देन आई कैन गिव यू गारंटी दिस प्लांट विल नेवर लीव्स यू। टू बी ऑनेस्ट, फिलोडेंड्रॉन के सारे वैरायटी ही बहुत ज़्यादा ईजी टू ग्रो होते हैं, पर उनमें भी लेमन लाइम, ऑक्सीकार्डन, ये सारे स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो होते हैं। वेल, मैंने ऑक्सीकार्डन के केयर के वीडियो पहले ही शेयर किया है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देख लिए। चलिए, हर वीडियो की तरह पहले इस प्लांट की इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो इस प्लांट का नेम है फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम। कोई कोई इसको फिलोडेंड्रॉन साइलेंट गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये फिलोडेंड्रॉन है इसलिए ये एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली इट इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आपके होम के कोई भी कॉर्नर को वार्म एंड एलिगेंट लुक देना चाहते हो, देन इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। मैंने लेमन लाइम के प्लांट को मेरे यहाँ की एक लोकल नर्सरी से 3 साल पहले ली थी। नाउ मैं उस प्लांट को प्रोपेगेट करके कुछ सारे प्लांट्स मैंने मेरे नेबर को भी गिफ्ट किया है। और हालांकि इस प्लांट को प्रोपेगेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मैंने क्यों प्रोपेगेट किया है वो जानने के लिए आपको मेरा शॉर्ट वीडियो लेमन लाइम के ऊपर जो है वो देखना होगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सॉइल की अगर बात करें तो फिलोडेंड्रॉन क्योंकि एक एरेसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ प्लांट है, तो आप बेझिझक इसको एरोइड पॉटिंग मिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ कुछ फिलोडेंड्रॉन्स जो कि बहुत रेयर है, मैं उन सारे को एरोइड पॉटिंग मिक्स या फिर ऑर्किड पॉटिंग मिक्स जो होता है वो प्रोवाइड करती हूँ, पर क्योंकि ये एक बहुत ही हार्डी वेराइटी है तो इसलिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स मेरे इस प्लांट के लिए दिया है, दैट इज़ इक्वल अमाउंट ऑफ गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट एंड पोलाइट। ये इसमें ही बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर आप चाहे तो आप भी आपके प्लांट के लिए ये पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एरोइड पॉटिंग मिक्स की बात करें तो मैं कैसे एरोइड पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसपे मैंने फिलोडेंड्रॉन पिंक एंड वाइट प्रिंसेस को रिपोर्टिंग किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सॉइल के बाद अब आते हैं फर्टिलाइज़र के ऊपर। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, क्योंकि ये फोलिएज प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते हैं। विंटर पे ये इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है, तो विंटर पे आप इसको फर्टिलाइज़र देना अवॉइड करें। समर में इसको एवरी मंथ कोशिश करें थोड़ा थोड़ा बैलेंस एनपीके हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो आप इसमें देने का। और साथ ही साथ मैं समर में एवरी 15 डेज के इंटरवल में सीवीड लिक्विड का सोल्यूशन स्प्रे कर देती हूँ। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी कहना चाहूँगी, गार्डनिंग से रिलेटेड जो सारे इंग्रेडिएंट्स का मैं यूज़ करती हूँ उन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहे तो उस लिंक से परचेस कर सकते हैं, और उस लिंक से परचेस करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वाटरिंग की बात अगर करें तो आप कोई भी प्लांट को कंटेनर में जब ग्रो करते हो तो वाटर देने से पहले ज़रूर एक बार देख ले कि आपका कंटेनर प्लांट के कंटेनर में जो सॉइल है वो पहले से मॉइस्ट, भीगा है या ड्राई हो गया है। अगर कंटेनर का सॉइल ड्राई है आप तभी सिर्फ उसको पानी दीजिए, अदरवाइज मॉइस्ट रहने से पानी मत दीजिए, क्योंकि उससे आपके प्लांट के रूट रॉट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कोई भी प्लांट कितना भी हार्डी क्यों ना हो, अगर आप सॉइल को सॉगी करके रखेंगे तो उसका रूट रॉट होगा ही होगा। इसलिए आप पॉट के ड्रेनेज होल का अच्छे से ध्यान ज़रूर रखिए, और साथ ही साथ वाटरिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान से देख ले उंगली से टच करके कि सॉइल आपका मॉइस्ट है या फिर ड्राई हो गया है। और हाँ, एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगी, विंटर पे सारे ही फोलियज प्लांट के वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ह्यूमिडिटी की बात अगर करें तो फ्रेंड्स, एरोयर्स एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होता है, इसको 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपके यहाँ पे जिस जगह पे आप इन सारे प्लांट्स को फोलियज प्लांट को प्लेस करेंगे उस जगह का ह्यूमिडिटी लेवल
हाई रखने की। अगर आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसको एक एडिशनल ह्यूमिडिफायर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलरली मिस्टिंग करिए, प्लांट्स को एक साथ क्लस्टर में रखिए ताकि उस जगह का ह्यूमिडिटी हाई हो सके। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स और हाउस प्लांट्स हम उसी प्लांट को कहते हैं जिसको हम घर के अंदर कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, और फिलोडेंड्रॉन भी हाउस प्लांट्स ही होते हैं। और हाउस प्लांट कौन कौन से प्लांट होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सनलाइट रिक्वायरमेंट। जो सारे प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होते हैं, जो सारे प्लांट इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट से भी ग्रो हो सकता है, हम उसे कंसिडर करते हैं इनडोर या फिर हाउस प्लांट की तरह। तो फिलोडेंड्रॉन एक हाउस प्लांट है, ये तो आप सबको पता ही है, और इसीलिए फिलोडेंड्रॉन को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से इसका लीव बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे इस प्लांट पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक बड़ा सा जैकफ्रूट का एंड मैंगो ट्री है, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट पे नहीं पहुँचती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। अगर आपके वहाँ पे डायरेक्ट धूप आता है तो वैसी जगह पे आप इसको इस प्लांट को प्लेस मत करिए। आप देख सकते हैं इस प्लांट की नोट में एरियल रूट होते हैं, इसी वजह से एरियल रूट को लेकर आप नोट कटिंग के ज़रिए इस प्लांट को बहुत ही इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने भी इस प्लांट को प्रोपेगेट किया है, आप अगर इस प्लांट की प्रोपेगेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन टू एनकरेज मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ।